Hello and welcome to your own channel, Global Online University. I am your educator, Ahmad Manzoor, and I will be teaching you general knowledge. The first question is, the 2019 World Cancer Day was observed on which date? February 5, February 3, February 4, February 6. And the correct answer to this question is February 4. Mark this answer, February 4. Is the correct answer. जो वर्ल्ड कैंसर डे है हर साल ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद इस डे का ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कैंसर के बारे में ताकि जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए। The second question is, which Indian company became the first listed Indian IT company to hit USD 100 billion market capitalization mark? The first option is TCS, second is Reliance Industries, third is Aditya Birla Group, and the fourth is Adani Group. पहली IT कंपनी जिसने 100 बिलियन US डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क को छू लिया और इसका आंसर मेरे हिसाब से सबको पता होगा और वो है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वेरी जानी मानी एक कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और लगभग लगभग सबको ही पता है इस कंपनी के बारे में. द थर्ड क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉयर ऑफ सॉरी आई बेग योर पार्डन हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बी अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज. ऐसी पहली महिला लॉयर वकील जिसको कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया. रंजना देसाई, पूजा मल्होत्रा, रूमा पॉल, इंदु मल्होत्रा. एंड इट्स आंसर इज इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर डी इंदु मल्होत्रा. इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक टिप देता जाऊं कि कल का जो दिन था वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था यानी कि मार्च 8 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वुमेन्स राइट्स डे. क्वेश्चन नंबर 4, India is world's dash largest economy according to the IMF. IMF जो है International Monetary Fund, उसके मुताबिक India world की कौन सी बड़ी economy है? जैसे कि सबको पता है कि India की economy दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसका जो answer है वो है option number C, sixth. यानी कि India की economy, India's economy is world's sixth largest economy, and this data is according to IMF. इसी के साथ हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं और एक क्वेश्चन बुक और ऑथर के रिलेटेड है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एग्ज़ाम का. ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बुक और ऑथर के बारे में एक क्वेश्चन तो ज़रूरी पूछा ही जाता है. तो हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक नो स्पिन? नो स्पिन एक किताब है और हमें यह बताना है कि यह किताब किसने लिखी है. ऑप्शन नंबर ए सईद अजमल, ऑप्शन नंबर बी ग्रैम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी शेन वॉन, ऑप्शन नंबर डी पॉल हैरिस. ये सारे के सारे क्रिकेटर हैं, जैसे कि किताब के नाम से भी पता चलता है कि ये किसी क्रिकेटर ने लिखी होगी. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी शेन वॉन. शेन वॉन इसका राइट आंसर है. शेन वॉन ने एक किताब नो स्पिन लिखी थी. ये बुक 2018 में पब्लिश हुई थी और इस बुक के जो पब्लिशर थी वो द पेंगुइन बुक्स इस बुक की पब्लिशर थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? 2019 का जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड था वो किसने जीता? रविचंद्रन अश्विन, बाबर आजम, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ. एंड इट्स आंसर इज विराट कोहली. विराट कोहली ने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये तीनों अवार्ड्स विराट कोहली ने ही जीते. अगला क्वेश्चन जो आपका है वो डिफेंस के बारे में है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? आपके एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है और इसके ऑप्शन हैं संजय मित्रा, यूके भास्कर, जी सतीश रेड्डी एंड जे एस कस्तूरी. एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जी सतीश रेड्डी. इनको रिसेंटली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक विंग है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है,
तो उन इनको इसके चेयरमैन बनाया गया है। जी सतीश रेड्डी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO। आपका जो 8th क्वेश्चन है, हु इज द करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ SAARC? SAARC यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के करंट जनरल सेक्रेटरी कौन है? अमजद हुसैन, अर्जुन थापा, शील शर्मा, तेंजिंग डोरजी। एंड इट्स राइट आंसर इज ए पार्ट, अमजद हुसैन। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो SAARC का सेक्रेटरी जनरल है उसकी जो टेन्यूअर होती है वो 3 साल के लिए इसको बनाया जाता है, और जो पहले सेक्रेटरी जनरल SAARC के थे वो थे बांग्लादेश के अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 9, द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हैज रिसेंटली गिवन रिकॉग्निशन टू इंडियाज विच इंडिजीनियस सपोर्ट? जो एशिया की ओलंपिक काउंसिल है उसने हाल हाल में ही इंडिया के एक इंडिजीनियस सपोर्ट को रिकॉग्निशन दी है। इंडिजीनियस सपोर्ट मतलब एक ऐसा खेल जो उसी मुल्क में पहले खेला जाता था, यानी कि उसी मुल्क में उस खेल की डिस्कवरी हुई है। जैसे हम कह सकते हैं कि क्रिकेट इंग्लैंड का इंडिजीनियस स्पोर्ट है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके हैं, कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, खो खो। और मैंने क्रिकेट को क्रिकेट लिखा है तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी खो खो इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज द करंट नंबर ऑफ व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स? इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनका नंबर बताना आपको है जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूड किए गए हैं। आपके ऑप्शन है 8, 9, 10 और लास्ट का ऑप्शन भी 10 है, लेकिन ये 11 होना चाहिए था। 8, 9, 10, 11 और इसका आंसर है 11। ये बात आप याद रखिए कि 11 नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये थे इस लेसन के आज के क्वेश्चंस। तो जाने से पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि इन सारे क्वेश्चन जो मैंने आज आपको पढ़ाए इनको मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। तो आप पहले हमने पढ़ा कि जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो February 4 को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन में हमने सीखा कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है ये इंडिया की पहली ऐसी आईटी कंपनी बनी विच हिट US$100 बिलियन मार्क कैपिटलाइजेशन, यानी कि इट इज द टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इज द फर्स्ट इंडियन आईटी कंपनी टू हिट US$100 बिलियन मार्क कैपिटलाइजेशन। तीसरे क्वेश्चन में हमने सीखा कि इंदु मल्होत्रा भारत की पहली ऐसी महिला है जिनको सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया। इंदु मल्होत्रा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। फोर्थ क्वेश्चन में सीखा कि IMF के मुताबिक इंडिया इज वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकॉनमी। उसके बाद बुक और ऑथर का एक क्वेश्चन हमने किया कि नो स्पिन जो एक बुक है वो किसने लिखी, और उसका आंसर है शेन वॉन। देन क्वेश्चन नंबर 6 कि ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड विराट कोहली ने जीता। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो तीनों अवार्ड थे, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड, ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये तीनों विराट कोहली ने जीते। इसके बाद सीखा कि जी सतीश रेड्डी को चेयरमैन बनाया गया DRDO का। SAARC के सेक्रेटरी जनरल के बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, यानी कि करंट सेक्रेटरी जनरल SAARC का कौन है, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ SAARC, एंड इट्स आंसर इज अमजद हुसैन। देन वी केम टू नो दैट खो खो वॉज रिसेंटली गिवन द रिकॉग्नाइजेशन बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। खो खो एक ऐसी इंडिजीनियस स्पोर्ट इंडिया की जिसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने रिकॉग्नाइजेशन दी। और लास्ट पे कि द नंबर ऑफ इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व्स इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इज 11। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।